तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्का पिंड पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? जब कोई भी तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसका आयतन घट जाता है और वह भारी हो जाता है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जब ठोस अवस्था के लिए जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन घटने के स्थान पर बढ़ जाता है, जिसके कारण वह पानी की तुलना में हल्की हो जाती है। इसीलिए बर्फ पानी में तैरती रहती है। छिपकलियां दीवारों पर चिपक कर कैसे चल लेती हैं? छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होता है। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परावर्तन होता है, इसीलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। साथ ही यह इस बात पर निर्भर करता है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा का होना आवश्यक है, इसीलिए कप का पानी नीले के स्थान पर रंगहीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, परंतु वे नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते। फलस्वरूप जल से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे आदि इस नीले रंग की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं। एक सुनहरी मछली की वास्तव में बहुत अच्छी यादें होती हैं। वे महीनों तक चीजों को याद रख सकते हैं। दो पहली नजर में एक झुंड में जेब्रा सभी एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके धारीदार पैटर्न उतने ही अलग हैं जितने कि मनुष्य में उंगलियों के निशान होते हैं। तीन चीता सबसे तेज जमीन वाला जानवर है, वे 113 किमी घंटा तक की गति से दौड़ता है। चार गंधक कणों को पकड़ने के लिए सांप और छिपकली अपनी जीभ हवा में उड़ाते हैं, वे अपनी जीभ से गंध करते हैं। पांच ब्लू व्हेल अब तक पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है, यह तराजू को 170 टन तक फैलाता है। यह लगभग 22 हाथियों के समान है। इसका दिल एक छोटी कार के आकार का है और इसकी सबसे बड़ी रक्त वाहिकाएं इतनी चौड़ी है कि एक वयस्क बिना किसी कठिनाई के तैर सकता है। छह मोला मोला या ओशन सनफिश एक बार में 50 लाख अंडे देती है। सात शार्क बिना खाना खाए कम से कम 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। एक शार्क के उपवास का रिकॉर्ड एक्वेरियम में स्वेल शार्क के साथ देखा गया, जिसने 15 महीने तक कुछ नहीं खाया। आठ एक कैटरपिलर अपने आकार से लगभग 27,000 गुना बढ़ जाता है जब वे पहली बार अंडे के रूप में उभरता है। नौ सभी कुत्ते भेड़िए के वंशज हैं। ये भेड़िए लगभग 15,000 साल पहले पूर्वी एशिया में रहते थे। 10 किसी से बात करते समय अगर आप उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं तो वे आपको और ज्यादा पसंद करने लगेगा। 11 एक शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग 11.5 हमलेट बना सकता है। 12 गधे की आंखें एक बार में अपने चारों पैरों को देख सकते हैं। 13 पेंगुइन अपना आधा समय पानी में और आधा समय जमीन पर बिताते हैं। 14 बिल्लियों में 100 से अधिक स्वर होते हैं जबकि कुत्तों के पास केवल 10 होते हैं। 15 यदि कोई समय निकालकर आपका काम करने में मदद कर रहा हो तो उसे जल्दी करो कभी ना कहें। 16 हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर अपना गुस्सा जताते हैं, लेकिन वही चीज अगर हम खुद करें तो हमें सही लगता है। 17 कंगारू तब तक कूद नहीं सकता जब तक उसकी पूंछ जमीन को न छू ले। 18 सुबह सूर्य के रोशनी में ज्यादा समय बिताने वालों को स्ट्रेस डिप्रेशन कम होता है। 19 दुनिया की सबसे छोटी मछली चागोस द्वीप समूह की त्रिमिटम नानुस है, इसका माप 0.33। 20 अत्यधिक सोचने से व्यक्ति का मानसिक रूप से टूट जाने का खतरा रहता है। 21 ऑक्टोपस और स्क्विड को सभी अक्षरों की जीवों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। 22 एक बिल्ली बड़ी होने पर लगभग 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। 23
सुनहरी मछली अगर कम रोशनी में रखी जाती है या बहते पानी के शरीर में रखी जाती है, जैसे कि एक धारा, तो अपना रंग खो देती है। 24. घड़ियाल पीछे की ओर नहीं चल सकता। 25. हाथियों के बड़े पतले कान होते हैं। उनके कान रक्त वाहिकाओं के एक जटिल नेटवर्क से बने होते हैं जो हाथियों के तापमान को नियंत्रित करते हैं। गर्म मौसम में उन्हें ठंडा करने के लिए उनके कानों के माध्यम से रक्त का संचार किया जाता है।